अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन सेशन है फॉलोअप का। तो बेसिकली क्या है ना कि जब हमारे पास लीड्स आती है तो उसके बाद हमें उनसे बात करना होता है और मतलब अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना होता है, वन टू वन मीटिंग करना होता है और काफ़ी चीज़ें मतलब होता है। उसके बाद फॉलोअप मतलब चलते रहता है और लास्ट में होता है क्लोजिंग। जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक फॉलोअप चलते ही रहता है। तो एक बार मेरी टीम में मेरे पर्सन पूछ रहे थे कि सर लीड्स आई है, मैंने उनको मैसेज किया है, उन्होंने सेशन भी देख लिया है, उसके बाद मैंने उनको मैसेज कर दिया है तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अब इनको फॉलोअप करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। तो मैंने उनको बोला कि जब तक वो टीएलएफ क्रिएटर में ना जाए ना तब तक फॉलोअप करना है। तो फिर उन्होंने एक स्माइली भेजा, बोला ठीक है सर। तो फॉलोअप का सेशन इसी से स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम है अश्वनी नाथ तिवारी, करंटली मैं गुड़गांव में हूँ और मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ गुड़गांव में, और मैं मैरिड भी हूँ, फैमिली वाला हूँ, मेरा एक बेटा भी है 2 साल का, ठीक है। और जॉब के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस कर रहा हूँ टीएलएफ क्रिएटर के साथ साथ, टीएलएफ क्रिएटर का जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसको यूज करके, ठीक है। और फॉरएवर में बात करें तो मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ अभी, और आज मैं इस सेशन में आपको फॉलोअप के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे फॉलोअप किया जाता है, जब भी हमें लीड्स आती है ऑटोमेशन के थ्रू आती है तब कैसे करना है, और प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आ रहा है तो कैसे बात करना है, ए टू जेड चीज़ें मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेशन को पूरा अटेंड करिए अच्छे से समझने के लिए चीज़, क्योंकि लीड्स तो बहुत लोगों को आ रही होगी लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रही है, और जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट किए उनको लीड्स आएगी तो कैसे बात करना है वो चीज़ समझने के लिए। कई लोग क्या करते हैं पता है, जैसे लीड्स आएगी वैसे ही अपने अपलाइन को फ़ोन करेंगे, सर मेरे को यूट्यूब से कॉल आया था, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या बोलूँ उनको। देखिए अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर मतलब आप नहीं कर पाएंगे मतलब क्लोजिंग। तो पहले पूरा प्रोसेस समझिए, अंडरस्टैंडिंग करिए कि हमें करना क्या है, उसके बाद उसको करिए आराम से शांति दिमाग से। आपको पता होना चाहिए मतलब फॉलोअप क्या है कि और क्लोजिंग क्या है, वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने सिस्टम के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो, मतलब एटलीस्ट इतना पता हो जितनी जरूरत हो। वैसे तो पूरा फॉरएवर समुंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सीखते हैं जब आप ट्रेनिंग्स में आते हैं, जब आप मतलब कोई इवेंट में जाते हैं, जब आप कजाबी का ट्रेनिंग पूरा देखते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं। तो कभी भी मतलब एकदम से हड़बड़ाइए नहीं कि पहला 1 महीना हो गया मेरे को इनकम नहीं आ रही है, 1 महीना हो गया मैं क्लोजिंग नहीं करवा पा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ आप बोलने के पहले ना समझिए कि मेरे को कितनी नॉलेज हुई है 1 महीने में या 2 महीने में, ये चीज़ बहुत मैटर करता है। सीधा ऐसा नहीं है कि बस वही स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूंगा और आप उसको रट लोगे और आपका क्लोजिंग होने लगेगा। क्लोजिंग करने के लिए पहले आप उस काबिल बनिए, मतलब हमारे टीएलएफ सिस्टम का पूरा अंडरस्टैंडिंग करिए। 5000 से करेंगे तो क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको याद होना चाहिए, मतलब दिन भर आपका यही काम है लोगों को समझाना कि 5000 से करोगे तो ये मिलेगा, 2cc से करोगे तो ये मिलेगा, और यही आपको याद नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आज है 27, आज से 4 दिन बचे हैं क्लोजिंग करने में, मतलब मंथ का क्लोजिंग, अभी जुलाई मंथ है ठीक है, और इस मंथ का क्लोजिंग, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लोजिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका 15 को इनकम आएगा। तो इसका शुरुआत मैं इससे ही करता हूँ कि आपको पूरे हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पाई कैसे स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, उसी सी से करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब आपको जरूरत हो आप अपलाइन को फोन लगा रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, जो लोग भी कर रहे हैं वो समझ जाइए कि आपका क्लोजिंग नहीं हो सकता, गलती से कभी हो जाए वो अलग बात है,
लेकिन आपको सारा चीज पता होना चाहिए, आपका बिजनेस है। अगर आपको ही ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी तो फिर आप कैसे बताओगे? क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है ना, जिससे आप बात कर रहे हो, चाहे वो कस्टमर हो या बिजनेस करने वाला हो, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने पूरे सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, खास करके मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में एटलीस्ट मैनेजर तक पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे कितना कमीशन आता है, कैसे कैसे लेवल्स होते हैं, कितने सीसी करने पड़ते हैं कौन से लेवल्स के लिए। तो ये सब चीजें आपको नहीं पता है तो इसको पहले सीखिए, समझिए, कजाबी के ट्रेनिंग्स में देखिए, और भी चीजें हैं, मतलब प्राइस लिस्ट देखिए कैसे कैसे होता है, प्राइस लिस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझिए। और उसमें नहीं आता तो आप अपलाइन से पूछिए, ऐसी बात नहीं है, अपलाइन से पूछना है आपको सारा चीज। लेकिन ऐसा नहीं कि जब आपको कॉल आए तब पूछना है, पहले ही आप समझ लीजिए, ये भी जरूरी है, बिजनेस का पार्ट है। कोई भी काम हम करते हैं अगर बिना अंडरस्टैंडिंग के करें, जैसे सपोज मैं जॉब करता हूँ, मैं आईटी मतलब वेबसाइट बनाता हूँ, तो अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मतलब कौन से लैंग्वेज में बनाना है, कैसे कोडिंग करना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ चीजें होती है कि चैलेंजेस आते हैं जब हम उसको मतलब सर्च करते हैं, उसको सीखते हैं, उसके बाद करते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए जो भी काम आप कर रहे हो। तो वैसे ही फॉरएवर का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब आप क्लोजिंग करवा पाओगे। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज रहेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप कॉन्फिडेंस से दे पाओगे। अगर नहीं रहेगा तो फिर जैसे ही सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है, तो फिर आप मतलब उनको आंसर नहीं कर पाओगे, वहीं पे क्लोजिंग खत्म हो जाएगी। तो बोलते हैं ना, अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। तो आपको मतलब जल्दी से, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना बिजनेस को, तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी करिए धीरे धीरे, जो चीजें हैं फॉरएवर का, जो भी मार्केटिंग प्लान है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, और टीएलएफ का जो सिस्टम है, इसमें कैसे फ्लो मतलब पूरा है, वो सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये पहली बात है। अब सेकेंड बात पे आते हैं कि अगर कोई हमारा सबका टीएलएफ का फनल बना हुआ है, जो भी यहाँ पे है सबका बना हुआ है, तो वहां से अगर कोई फॉर्म फिलअप करता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे कोई फॉर्म फिलअप करता है, आपको ईमेल आ जाती है, सबको आती है कि नहीं, चैट में बताइए। जैसे कोई आपका मतलब यूट्यूब वीडियो देखता है, नहीं यूट्यूब वीडियो देखता है और वहां से फॉर्म फिलअप करता है, तो होती आपको मेल आ जाती है, राइट? हाँ, सब लोग यस यस लिख रहे हैं। हाँ, तो मतलब बस सुनना नहीं है, इंटरेक्शन भी करना है, ठीक है? तो मेल आती है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उनको सबसे पहले कैसे रिप्लाई करना है? मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको फॉलोअप करना होता है एक्चुअली में, क्योंकि जो लोग नए लोग हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो उनको हमें मतलब मैसेज करना होता है सबसे पहले। कुछ लोग तो कर लेते हैं चीज़ें, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ, उस तरीके से ही आपको करना है। वो रिप्लाई करे ना करे वो बात की चीज़ है, बट जैसे ही आपको मतलब मेल आता है कि हाँ किसी ने आपके फनल में ऑप्टेन किया है, वैसे ही उनको मैसेज करना होता है सबसे पहले। तो वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, ओके। तो ये है मेरा व्हाट्सएप, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ना आपको दिखाता हूँ, जब मेरे फनल से कोई मेरे को मैसेज करता है, तो फिर मैं किस तरह से रिप्लाई करता हूँ। TLF 4 से सबसे पहले मैं नंबर ऐसे सेव करता हूँ, आप देख सकते हो, TLF 4 लीड निशा सैनी, फिर डेट, मतलब नाम, उसके बाद डेट, ऐसे ही मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, ठीक है? ये रिजेंटली का है, तो चलिए इनसे देखते हैं, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ सब कुछ, इस तरह से कोई नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले उनको मैसेज मैं करता हूँ ये कि हाय निशा, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी, अपना नाम, ठीक है? आई मैसेज यू एज यू हैव रिसेंटली रजिस्टर फॉर आवर मास्टर अपकमिंग लाइव ऑनलाइन मास्टर क्लास, ठीक है? और उसके बाद एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता हूँ कि मतलब कंफर्मेशन यू आर इन
यू आर रजिस्टर फॉर आवर अपकमिंग लाइव वेबिनार ऑन हाउ टू बिल्ड मिनी स्ट्रीम, 5 मिनी स्ट्रीम, मतलब ये हमारा जो सेशन है उसका टाइटल है, ठीक है। और इट्स टुडे 4 PM, और ये है वेबिनार का डायरेक्ट लिंक, और ये कुछ मोर देन 200 रजिस्टर टुडे लाइव इवेंट, सी यू इन सेशन, स्माइली अश्वनी, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज के बाद एक उनको मैसेज भेजता हूँ, निशा क्विक पोल, वुड यू लाइक टू एबल टू अटेंड दिस लाइव ऑनलाइन मास्टर क्लास एट 4 PM, रिप्लाई यस नो, मतलब यस नो मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो ये स्क्रिप्ट हमने मतलब शेयर किया है कई बार, तो आई होप सबके पास ये स्क्रिप्ट होगा, अगर नहीं है तो आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट तो से आपको मतलब मैं मैसेज करना है जो भी आपके टीम में आ रहा है, बताऊं, तो ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट से मैं मैसेज करता हूँ, जो भी सबसे पहले हमारे फनल में ऑप्ट इन करता है, हमें मेल आती है, फिर वो नंबर को सेव करना है, उसमें जो नंबर होता है उसको इस तरीके से मैसेज करना है, ठीक है। और जैसे एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे ये जो है मैसेज मैंने कब किया है, 1 1 बजे 1 PM, मतलब जब हमें मतलब आता है मेल आता है, तो उससे हमें चेक करना है कि कितने बजे आ रहा है, मतलब अगर 4 बजे के पहले आ रहा है तो हमें 4 बजे के हमारा जो पहला लाइव सेशन होता है, जो लाइव ऑटोमेशन चलते रहता है, उसमें पहला लाइव सेशन जो होता है वो 4 PM पे होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 4 PM पे होता है ना, अगर 4 PM के पहले कोई फनल से लीड्स आई है हमें, तो उनको ये मैसेज भेजना है इस तरीके से। अब ये निशा के जगह अगर कोई आरती आई है तो आरती लिखना है, कोई धीरज आया तो धीरज, ये नाम आपको चेंज करते रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम। और ये मेरा है इसलिए मैंने नीचे अश्वनी लिखा है, अगर आप लोग का रहेगा तो उसमें आप लोग का नाम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी निशा मतलब उनके नाम से मतलब ये करना है, तो ये जब आप भेज रहे हो उस टाइम पे कस्टमाइज करना है इसको, ठीक है। जब इसको मैं दूसरे को भेजूंगा तो इसमें ये नाम चेंज हो जाएगा, और 4 PM के पहले आया है तो मैं 4 PM वाला भेजूंगा, अगर मेरे को कोई 5 बजे आया है लीड तो मैं उसको 7 PM का भेजूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा 7 PM पे होता है, और कोई 8 बजे आया तो मैं उसको 10 बजे का भेजूंगा, मतलब यहाँ पे जो 4 PM है इसके जगह पे मैं 10 PM लिखूंगा, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये आपको कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे 3 लाइव सेशन होते हैं तो हमें लाइव में ही इन्वाइट करना है। अब किसी का ऐसा रहेगा आगे, अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैं इस टाइम से सुटेबल नहीं, तो अब आप उनको बोल सकते हो, आप यस्टरडे रिप्ले सेलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं आगे आगे, जैसे अगर वो यस करता है, तो यस करने के बाद मैं ये मैसेज करता हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओके ग्रेट, सी यू एट 4 PM, आई विल रिमाइंड यू 15 मिनट बिफोर द इवेंट, डू सेव माई नंबर एंड रिप्लाई डन, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो डन लिख दिया, मतलब उन्होंने नंबर सेव कर लिया, ठीक है, नहीं लिखा मतलब नहीं किया है, तो ये चीज नंबर सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है, अगर नो लिखा तब क्या करना है, नो लिखा है तो फिर हम उनको पूछ सकते हैं व्हेन यू आर अवेलेबल, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उनको रिप्लाई कर सकते हैं, कि अगर वो बोल रहा है मैं अभी जॉब में हूँ, मैं 6 बजे के बाद हो सकता हूँ फ्री होता हूँ, तो उनको आप बोलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन जो है वो 7 PM पे है, तो आप उसके लिए अवेलेबल हो, उनसे पूछ लो ऐसे ही। फिर अगर कोई बोल रहा है नहीं मैं तो 8 बजे के बाद होऊंगा, तो उनको 10 PM का कर दो, अगर कोई भी हमारे सेशन में सूट ही नहीं हो रहा तब आप उनको बोल सकते हो कोई बात नहीं, आप यस्टरडे रिप्लाई सेलेक्ट करके आप उनको देख सकते हो सेशन, मतलब हमें ऐसा नहीं कि जैसे ही लीड्स आया हम उनको फोन करके समझाने लग गए, ये चीज नहीं करना है बिल्कुल। इस तरीके से प्रॉपर एक मतलब इस तरह से आपको मैसेज करना है एक प्रोफेशनली वे में, क्योंकि सबको कॉल करके समझाने लगेंगे तो कितने लोग को समझाएंगे, और जो नए लोग हैं वो समझा ही नहीं पाएंगे, और ऐसा करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हम कॉलिंग से नहीं ऑटोमेशन सिस्टम से काम करते हैं। तो ये बस है कि एक तो उनको मेल आ जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ से ही सिर्फ होता है, लेकिन क्या होता है ना बहुत सारे लोग मेल चेक नहीं करते हैं, इसलिए हमें इस तरह से मैसेज करना है, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो फ्रिक्वेंटली सब लोग ही चेक करते हैं, तो इस तरीके से आपको मैसेज करना है। और उसके बाद क्या, जैसे 15 मिनट बिफोर है ना, तो 15 मिनट बिफोर उनको इस तरीके से जैसे मैंने भेजा है 15 मिनट्स टू गो और ये लिंक, उसके बाद एग्जैक्ट 4 बजे आपको ज्वाइन नाउ का भी एक मैसेज डालना है। उसके बाद मतलब जैसे 4 बजे भेजा तो 7 बजे फिर मतलब
खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर उनको मैसेज करके हैव यू वॉच द फुल सेशन इस तरह से पूछना है उनसे। फिर वो यस बोल रहे हैं, तो यस बोल रहे हैं तो फिर क्या पूछना है, ओके ग्रेट व्हाट यू लाइक द मोस्ट। तो ये चीज ऐसे पूछना है कि मतलब आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। तो इन्होंने लिखा है फॉर एवर। तो अब मैंने कैसे फॉलोअप किया इनको, ग्रेट सो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट फॉर एवर। अगर वो यहाँ पे लिखते फाइव सोर्स ऑफ इनकम तो मैं यहाँ पे लिखता व्हेन यू वांट टू स्टार्ट फाइव सोर्स ऑफ इनकम। अगर यहाँ पे वो लिखते हैं पैसिव इनकम तो मैं लिखता व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर पैसिव इनकम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये उनके रिप्लाई के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो इन्होंने बस यस लिख दिया, तो फिर मैंने उनको ज्वाइनिंग लिख दिया, लिंक दे दिया। बट मतलब यस लिखने का मतलब ये नहीं था कि ज्वाइन कर ले, बट अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूछा है कि कब स्टार्ट करना है, तो वो बस बोल रहे हैं यस। तो मैंने इनको भेज दिया, ठीक है। और मैंने बोला फर्स्ट स्टेप डू फ्री रजिस्ट्रेशन, फिर इन्होंने किया नहीं। फिर मैंने उनको मतलब वापस से अगले दिन फॉलोअप किया, ठीक है। ये चीजें हैं। अब ये चीजें आपको आई होप समझ आई होगी कि कोई हमारे फनल से ऑप्ट इन करता है तो हमें कैसे रिप्लाई करना है। सबसे पहले ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। ये प्रोसेस मैंने पूरा बता दिया, और जो इसका स्क्रिप्ट है काफी बार ग्रुप में भेजा गया है। और बाकी फिर अगर आप नए हो तो आप अपने अपलायंस से ले सकते हो इसे स्क्रिप्ट।